हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज की जो अपनी क्लास होगी कंप्यूटर की, उसमें अभी जो आपके 24, 25, 26 तारीख को जो एचएसएससी में एग्ज़ाम्स हुए हैं, आपके आईटीआई इंस्ट्रक्चर से जुड़े हुए एग्ज़ाम हैं या रेवेन्यू वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ाम्स में एक टॉपिक है हमारा पाइथन, पाइथन लैंग्वेज। उससे काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिले, तो आज की इस क्लास में बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट बातें जो पाइथन लैंग्वेज से हमें ध्यान रखनी है, और एक ही क्लास में उन बातों को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। अगर दूसरी क्लास की रिक्वायरमेंट होगी तो दूसरी क्लास भी ले आएंगे। और मेनली हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारी पाइथन लैंग्वेज का, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत आसान लैंग्वेज है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप लोगों को जो है ये चीज़ें कुछ इस तरीके से बताई जाती हैं कि आपको इनसे डर लगे, और अगर आपको डर लगेगा तो फिर आप कोर्स वगैरह खरीदोगे और ये सब, तो वो दुकान चलाने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। बहुत आसान टॉपिक है और एक एक चीज़ इसकी इतनी आसान है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दिख नहीं रहा थोड़ा सा इसमें, आई थिंक हम इसमें ये, हाँ तो बहुत ध्यान से देखना है और कॉपी पेन लेके बैठना है सभी को जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, नोट्स जरूर बना लेना। आज की क्लास में जो पाइथन हो रही है और इसके बाद अगर क्लास हुई उसमें पाइथन हुई, इन क्लासेस से ही आपको पेपर में अगर पाइथन से क्वेश्चन फंसा तो इन्हीं में से फंस जाएगा, बाकी कुछ कहीं से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है या फिर प्रोग्रामिंग क्या होती है। जैसे हमारी जो मशीन है, हमारा जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। हम कैलकुलेशन का काम कर लेते हैं, हम कोई फाइल्स वगैरह बनानी होती हैं उसका काम कर लेते हैं, हम डेटाबेस के ऊपर काम कर लेते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। वहीं पे इस कंप्यूटर का प्रयोग करके हम एक और काम करते हैं, क्या करते हैं, हम एप्लीकेशंस बनाते हैं या हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इसी कंप्यूटर का काम ना का की हेल्प से हम सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सब व्हाट्सएप के बारे में जानते हो, फेसबुक के बारे में जानते हो, ये सभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको भी हम हमारे कंप्यूटर का यूज़ करके ही बनाते हैं। तो जब कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने की प्रक्रिया जब शुरू होती है, तो सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है, जो लोग बनाते हैं, बनाने वाले को हम कहते हैं डेवलपर। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो आपकी इन एप्लीकेशंस के लिए क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, जिसको आप कोडिंग के नाम से जानते हो, वो कोडिंग करते हैं। और उस कोडिंग को करने के लिए उन्हें किसी ना किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो पाइथन का यूज़ करें, चाहे फिर वो सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस या जावा का यूज़ करें। इन भाषाओं का यूज़ करके, प्रयोग करके वो क्या करते हैं, इन एप्लीकेशंस के लिए कोड लिखते हैं, कोडिंग करते हैं। जब ये कोडिंग की शुरुआत होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि कोई भी, मान लो एक्स वाई जेड, कोई भी ए इंसान है, ठीक है, ये ए इंसान है, ये बी के पास जाता है। और बी कौन है, मान लो बी है ये सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिस जो सॉफ्टवेयर बनाता है, और ए है कोई, यानी कि मैं हूं, मुझे कोई एप्लीकेशन बनवानी है, कोई अपना सॉफ्टवेयर बनवाना है, जैसे केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन एप्लीकेशन जो है, मान लो हमें वही बनवानी है। तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जाएंगे और उसको हमारी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट के बारे में बताएंगे, कि हमारी जो बी को ए जो बताएगा, ये बताएगा अपनी रिक्वायरमेंट कि भाई मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि हमें एक एजुकेशनल एप्लीकेशन बनवानी है, और उस एजुकेशनल एप्लीकेशन में यूजर आईडी, उसके बाद पासवर्ड वगैरह, फिर कैसे मॉक टेस्ट डालने हैं वहाँ पे, कैसे वीडियो डलेंगी, वीडियो चलेंगी, ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये हम अपने उस डेवलपर को बता देते हैं। तो डेवलपर के पास सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट आ गई, उसको हम एक प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम मतलब परेशानी नहीं, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम, कि उसके सामने एक टास्क आ गया है, काम आ गया है, उसको वो काम पूरा करना है, और जैसा जैसा हमने उसको बताया है वैसी वैसी उसको वो एप्लीकेशन बनानी है। अब उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमने जो चीजें बताई हैं उनको बनाने के लिए उसके पास सबसे पहले क्या आ गई, सबसे पहले मान लो एक प्रॉब्लम आ गई है।
उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो सबसे पहले क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को स्टेप्स में लिख लेगा, उस प्रॉब्लम के वो स्टेप्स लिख लेगा कि भाई सबसे पहले उसे ये करना है, फिर उसके बाद उसको ये करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम मैगी का एग्जांपल ही लेते हैं, हमें अगर मैगी बनानी है तो पहले स्टेप में हम लिखते हैं कि हमें एक पैन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर दूसरे स्टेप में हम लिखते हैं हमें गैस की रिक्वायरमेंट है, तीसरे स्टेप में हम लिखते हैं हमें टाइम की रिक्वायरमेंट भी है, फिर चौथे स्टेप में हम लिखते हैं हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से फिर फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारी जो भी हमारे स्टेप्स हैं उनको हम क्लोज कर देते हैं और हमें जो चीज़ बनानी है उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स लिख लिए हैं। ये जो स्टेप्स होते हैं इनको हम किन नाम से जानते हैं, इनको हम इंस्ट्रक्शंस के नाम से जानते हैं, इंस्ट्रक्शंस, जिनको क्या कहते हैं, निर्देश कहते हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होंगे इनको जहां पे लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, कोड एडिटर कहते हैं। कोड एडिटर भी क्या होता है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही होता है जिसका प्रयोग किया जाता है कोड लिखने के लिए। तो क्वेश्चन आता है कि कोड लिखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कोड एडिटर की जरूरत होती है। अब हमने कोई भी एक कोड एडिटर जो है वो डाउनलोड कर लिया, एक्स वाई जेड कोई कोड एडिटर है, हमने उसको डाउनलोड कर लिया और अब डिसाइड ये करना होता है कि हमें इंटरप्रेटर की जरूरत है या हमें कंपाइलर की जरूरत है। जैसे हमें अगर मान लो मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं मान लो हिंदी की जगह पे मुझे फ्रेंच भाषा आती है या मुझे चाइनीज आती है और फिर मुझे अपनी बात आपको समझानी है, तो मुझे, मैं तो चाइनीज में बोलूंगा, आपको समझ नहीं आएगी। तो हम दोनों के बीच में एक चीज होनी अनिवार्य है, वो क्या होना चाहिए, हमारे बीच में एक ट्रांसलेटर का होना बहुत जरूरी है जो मेरी बोली गई चाइनीज को आप लोगों को हिंदी में समझाएगा। मान लो मैं फ्रेंच भाषा बोलता हूं, बीच में है ट्रांसलेटर और इधर हो आप जो हिंदी समझते हो। ऐसे ही ये है हमारी पाइथन लैंग्वेज, बीच में होगा ट्रांसलेटर और ये क्या है, हमारा कंप्यूटर या फिर क्या है, हमारी मशीन है, ठीक है भाई। अब पाइथन लैंग्वेज जो होती है ये इंग्लिश की तरह लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है वैसे ही पाइथन लैंग्वेज होती है। अब फ्रेंच को कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा ट्रांसलेटर और आपको वो हिंदी में समझा देगा, आपकी हिंदी को ट्रांसलेट करेगा और मुझे फ्रेंच में समझा देगा, यही काम होता है ट्रांसलेटर का। ऐसे ही पाइथन भाषा में जो भी कोड लिखा जाएगा उस कोड को ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा, किस भाषा में, जिस भाषा को हमारी मशीन समझती है। मशीन किस भाषा को समझती है, बाइनरी भाषा को समझती है जिसके अंदर जीरो और एक होता है, यानी कि जो भी हम पाइथन में लिखेंगे हमारा ट्रांसलेटर उसको जीरो और एक में कन्वर्ट करके हमारी मशीन को दे देगा। मशीन उसी जीरो और एक की भाषा में ट्रांसलेटर को वापस से क्या दे देगी, हमारे प्रोग्राम का जो भी हमने लिखा कोड उसका आउटपुट दे देगी और ये ट्रांसलेटर उसी भाषा को, उसी आउटपुट को पाइथन की लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमें रिटर्न में वो रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पे हमें ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर पाइथन भाषा जो है इसको एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोला जाता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोला जाता है। अब ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोला जाता है इस बात को समझते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेटर के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि एक ट्रांसलेटर होता क्या है, लेकिन उस ट्रांसलेटर में क्या क्या चीजें होती हैं। पहला होता है हमारे पास इंटरप्रेटर, HSSC में सवाल इसका भी आ चुका है। दूसरा होता है हमारे पास कंपाइलर, ये भी पूछा जा चुका है। और तीसरा होता है हमारे पास असेंबलर, ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। इंटरप्रेटर जो होता है ये हमारे कोड को स्टेप बाय स्टेप या आ सकता है पेपर में लाइन बाय लाइन, ये कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है हमारे कोड को। जो भी हमने स्टेप्स लिखे थे अभी, जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे थे हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जो भी निर्देश लिखे थे, पहला निर्देश लिखा उसको तभी एग्जीक्यूट कर दिया, दूसरा निर्देश लिखा उसको तभी एग्जीक्यूट कर दिया, ऐसे करते करते अगर हमने 5 लाख निर्देश लिखे तो आखिर में हमें
दोबारा ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने कुछ गलत लिख दिया या कुछ सही लिख दिया, या क्या कमी रह गई, या कुछ रह गया, कुछ गड़बड़ रह गई या नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि हम एक लाइन लिख रहे थे और वो लाइन तभी एग्जीक्यूट हो रही थी। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर हमारे सोर्स कोड को स्टेप बाय स्टेप या लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। एक होता है कंपाइलर, जो हमारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूट इन वन गो। यानी कि इसमें क्या होगा, पहले हमें पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ेगा, कोड पूरा क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पहले पूरा कोड लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद कोड क्या होगा, कंपाइल होगा और फिर क्या होगा, रन होगा। तो क्वेश्चन एचएसएससी के नॉर्मल पेपर जो होते हैं उसमें तो सीधा पूछते हैं कि किसी भी कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इंटरप्रेटर आंसर हो जाएगा। हमारे पूरे सोर्स कोड को एक बार में एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आंसर कंपाइलर हो जाएगा। लेकिन कंपटीशन बढ़ते हुए एचएसएससी का जो एग्जामिनर है वो लैंग्वेज चेंज करता है सवालों की। कैसे? वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें लास्ट में एरर ना आने की संभावना सबसे कम होती है, लास्ट में गलती निकलने की संभावना सबसे कम होती है। तो इंटरप्रेटर में क्या होता है, हम साथ साथ एग्जीक्यूशन करते रहते हैं, तो इसका मतलब चाहे कितना भी बड़ा कोड हो हमें गलती हो की संभावना है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें आखिरी में पता लगता है कि जो कोड हमने लिखा उसमें कोई गलती हुई या नहीं हुई, तो आखिर में तो हमें कंपाइलर में पता लगता है, क्योंकि पहले तो हम कोड को लिखते हैं, फिर पूरा लिखने के बाद उसको कंपाइल करते हैं और फिर एग्जीक्यूट होता है, फिर हमें एरर मिलता है कि नहीं हमने वहां पे कोई गलती करी थी नहीं करी थी। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। असेंबलर एक हमारे पास होती है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देता है, यानी कि बाइनरी में ट्रांसफर करता है, उसको असेंबलर कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज जो होती है, इस भाषा में हमारे पास लेटर्स होते हैं एंड नंबर्स होते हैं। लेटर्स और नंबर्स से मिलके जो भाषा बनी होती है वो कौन सी भाषा होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है। ये सवाल भी आ जाएगा, लेटर्स और नंबर्स से मिलके जो भाषा बनी होती है उन लेटर्स और नंबर्स के मिलने को क्या कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो लेटर्स और नंबर, लेटर्स का मतलब है भाई ए बी सी डी, नंबर्स का मतलब है एक दो तीन चार, जिनको नहीं पता, इन दोनों के मिलन को हम क्या कहते हैं, निमोनिक कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निमोनिक्स का यूज किस लैंग्वेज में किया जाता है, तो असेंबली लैंग्वेज में किया जाता है। लेटर्स और नंबर्स का यूज भी किस में करते हैं, असेंबली में ही करते हैं, और लेटर्स और नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये तीन तरीके के हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं। फिर हम बात क्या कर रहे थे, हाँ, तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि पाइथन में जब हम कोड करते हैं या पाइथन प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, जो हमारे सोर्स कोड को स्टेप बाय स्टेप या फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है या लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट, इसलिए पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। पाइथन भाषा को 1990-1991 में एक इंसान है जिसका नाम है ग्यूडो वैन रोसम, ग्यूडो वैन रोसम ने डेवलप किया था, बनाया था। एक सर्कस होता था मोंटे पाइथन सर्वस सर्कस, जिसके नाम पे इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन लैंग्वेज रखा था, ना कि किसी पाइथन सांप के नाम पे रखा था। मोंटीज करके कोई सर्कस होता था, पाइथन सर्कस होता था, उसके नाम पे इन्होंने इसका नाम रखा था। फिर नेक्स्ट बात आती है कि पाइथन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो होता है पाइथन के अंदर वो होता है वेरिएबल का, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन लिखी आती है एचएसएससी में कि डैश आर लाइक कंटेनर्स, डैश आर लाइक कंटेनर्स, जस्ट अ सेकंड,
तो वेरिएबल्स मतलब डैश आर लाइक कंटेनर्स विच कंटेन एनी टाइप ऑफ डेटा वैल्यू। ऑप्शन में मिलेगा, एक में मिलेगा वेरिएबल, एक में मिलेगा आइडेंटिफायर, एक में मिलेगा कीवर्ड, एक में मिलेगा कुछ और। तो हमारे पास पाइथन के अंदर क्या होता है भाई, वेरिएबल्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक तरह के कंटेनर होते हैं। कंटेनर का मतलब क्या होता है, जो अपने अंदर कोई भी डेटा वैल्यू स्टोर करके रखते हैं उनको कंटेनर कहते हैं। जैसे हमारे घर में किचन के अंदर डब्बे वगैरह होते हैं, या घर में कोई भी एक ऐसी चीज होती है, जैसे पानी गर्म करने का कंटेनर होता है, दही रखने का कंटेनर होता है, दाल रखने का कंटेनर होता है, तो ऐसे ही कोई ना कोई एक कंटेनर होता है। उस कंटेनर के अंदर कोई ना कोई डेटा वैल्यू होती है। डब्बे के अंदर हम दाल भी डाल लेते हैं, डब्बे के अंदर हम घी भी रख लेते हैं, दही रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। ऐसे ही पाइथन के अंदर हमारे पास वेरिएबल होते हैं। पहला सवाल, जिनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो जाएगी। दूसरा सवाल पाइथन के बनाने पे आता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको बनाया कैसे जाता है। इनको बनाने के लिए हमें कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे ही आता है कि चार ऑप्शंस में से कौन सा एक वैलिड वेरिएबल है, यानी कि कौन सा वेरिएबल सही तरीके से बनाया गया है। तो वेरिएबल्स को बनाने का जो तरीका होता है वो देखो क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल का जो नाम होगा वो किसी भी संख्या से शुरू नहीं होगा, वो किसी संख्या से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, इनसे कभी भी किसी भी वेरिएबल का नाम की शुरुआत नहीं होगी। तो पेपर में जो चार ऑप्शन मिले उनमें से जो जिस भी ऑप्शन में शुरू में नंबर लिखा हो उसको, वो तो गलत हो ही जाएगा। दूसरा, किसी भी स्पेशल सिंबल का यूज नहीं करना। स्पेशल सिंबल का मतलब एट द रेट हो गया, हैश हो गया, ये डॉलर का साइन हो गया, या फिर आपका परसेंटेज का साइन हो गया। किसी भी स्पेशल सिंबल का नाम हम प्रयोग नहीं करते हैं जब भी हम एक वेरिएबल का नाम बनाते हैं। सिर्फ एक हमारे पास ऐसी चीज होती है जिसका हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं अंडरस्कोर, ऐसे वाला जो होता है, जैसे ए अंडरस्कोर बी मैंने लिख दिया, ये अंडरस्कोर जो है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी हम सिंबल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है भाई। तो किसी भी संख्या से स्टार्ट नहीं होगा, 0, 1, 2, 3, 4, किसी भी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं वेरिएबल के नाम बनाते टाइम, किन किन चीजों का हम यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम जो है वो अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है भाई, छोटी ए बी सी डी, बड़ी ए बी सी डी, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो जाएगा। अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, अंडरस्कोर लगा सकते हो, वो भी वैलिड हो जाएगा, यानी कि जैसे ए अंडरस्कोर बी, इससे भी स्टार्ट कर सकते, ऐसा भी हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर बी, ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों ही एग्जाम्पल हमारे ठीक हो जाएंगे, यानी कि वेरिएबल का नाम हम अंडरस्कोर से शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि शुरुआत नंबर से नहीं करनी है, लेकिन हम 1, 2, B, 4, C, 3 ऐसे हम नंबर्स का बीच में यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं लिखता हूं यहां पे, मान लो P अंडरस्कोर Y T 2 H अंडरस्कोर O N, तो क्या एक ये वैलिड वेरिएबल है या नहीं है? ऑप्शन में आ जाए यही, क्या एक ये वैलिड वेरिएबल है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, ये बताओ भाई। देखो पहली बात ध्यान रखनी है कि क्या शुरुआत किसी नंबर से हो रही है, नहीं हो रही है, इट मींस पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। क्या किसी स्पेशल सिंबल का यूज हुआ है, नहीं हुआ, मतलब वहां भी हमारा ठीक है। अल्फाबेट का यूज है, ठीक है, नंबर भी अंदर यूज है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, अंडरस्कोर भी कर सकते हैं, तो इसमें मतलब सारा सारा ये ठीक। अरे ये क्वेश्चन मार्क तो मतलब वैसे लगाया मैंने, पूछने के लिए इस सवाल है, मतलब ये वैसे लगाया था, वो इसका पार्ट नहीं है, तो एक ये वैलिड वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल मतलब क्या, अब सिंपली बात करते हैं,
मुझे एक वेरिएबल मैंने बना लिया ए अंडर स्कोर बी, जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 10। 10 एक इंटीजर वैल्यू है। एक वेरिएबल मैंने बना लिया, मान लो बी सी अंडर स्कोर 2 बना लिया, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 20। फिर एक वेरिएबल बनाया मैंने सी, जिसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, ए अंडर स्कोर बी प्लस बी सी अंडर स्कोर 2 डाल दिया। और फिर मैं प्रिंट का यूज करके क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ सी। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर का जो वैल्यू होगी वो, और इस वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 20 और 10 30 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये होते हैं हमारे पास वेरिएबल, जिनके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं। वैल्यू किस किस तरीके की होती है वो आगे का पार्ट है। ये हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है, डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। वेरिएबल्स के बाद हमारे पास हमसे पूछा जाता है कीवर्ड के बारे में, ठीक है, कीवर्ड के बारे में। और कीवर्ड के बारे में मैं आपको एक सेकंड रुको, नेट ओपन करके वहां पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कीवर्ड जो है ना वो थोड़ा सा उसमें याद करने की नहीं है, देखने की। यहाँ पे हम लिखेंगे कीवर्ड्स इन पाइथन, तो हम स्टॉप पे सेव कर लें। प्रिंट में ओपन, प्रिंट में चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं एक बार, कोई बड़ी फोटो हमें दिख जाए तो। चलो कोई बात नहीं, ये बड़ा नहीं हो रहा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो कीवर्ड, ये का कुछ कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, जैसे फॉल्स है, क्लास, फाइनली, इज, रिटर्न, नन, कंटिन्यू, फॉर, लैम्डा, ट्राई, ट्रू, डेफ, फ्रॉम, नॉन लोकल, वाइल, विद, येल्ड, नॉट, ये बहुत सारे हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं। जो अभी फिलहाल जो अगर बात करें पाइथन के अंदर तो 33 कीवर्ड्स हैं, पहले 32 कीवर्ड होते थे। इन कीवर्ड्स के बारे में पूछा जाता है, ऑप्शन में एक में कीवर्ड मिल जाएगा, आइडेंटिफायर मिल जाएगा, और कुछ मिल जाएगा, वेरिएबल मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिजर्व्ड वर्ड्स। जैसे रिजर्व मतलब जो हमारी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरीज की सीट रिजर्व होती हैं, रिजर्व होने का मतलब जो चीज पहले से फिक्स है, इतनी सीट उनको तो मिलेंगी ही मिलेंगी, फिर वो जनरल में भी काउंट हो सकते हैं। वो तो हो गया हमारा वो तरीका, रिजर्व का मतलब क्या होता है। रिजर्व वर्ड्स मतलब पाइथन भाषा जो होती है उस पाइथन लैंग्वेज के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, हर लैंग्वेज की एक लाइब्रेरी होती है। सी, सी प्लस प्लस, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, इंग्लिश की डिक्शनरी में पहले से मौजूद कुछ शब्द होते हैं, हिंदी की शब्दकोश होता है जिसमें हिंदी के वर्ड्स होते हैं, ऐसे ही पाइथन की लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर पाइथन भाषा में प्रोग्रामिंग करते टाइम जिन भी शब्दों का हम यूज करते हैं, और ऐसे शब्द जो पहले से पाइथन के अंदर मौजूद हैं, जैसे इफ, एल्स, नन, कंटिन्यू,
यील्ड काफी सारे शब्द होते हैं, उनको कीवर्ड्स कहते हैं। या तो रिजर्व वर्ड से लिखा पेपर में आएगा या शब्द लिखा आएगा प्री डिफाइंड। प्री का मतलब होता है पहले, जैसे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स पढ़ते हो आप, पोस्टफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो जो प्री डिफाइंड है, पहले से पाइथन के अंदर जो शब्द हैं उनको हम कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो एक बार इंटरनेट के ऊपर सर्च करना कीवर्ड्स इन पाइथन, 32-33 शब्द हैं छोटे छोटे से, उनको 4-5 बार रीड कर लोगे तो पेपर में अगर ऐसा सवाल आया कि चार ऑप्शन में से कौन सा कीवर्ड नहीं है तो आपको वहां पे पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो एक बार कलर्क में ऐसा क्वेश्चन आया भी था, हरियाणा कलर्क में, तो देख लेना भाई कीवर्ड के बारे में। अब कीवर्ड के बाद क्या होता है हमारे पास, कुछ लूप्स की बातें हम कर लेते हैं। लूप्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। लूप्स का मतलब होता है, लूप का मतलब होता है लगातार, कोई चीज लूप में है मतलब वो लगातार है। हम मेनली तीन तरीके का लूप पढ़ते हैं, एक फोर लूप पढ़ते हैं, एक वाइल लूप पढ़ते हैं और एक हम डू वाइल लूप पढ़ते हैं। वैसे पूछा नहीं जाता, आप बस आप HSSC के हिसाब से इतना मान लो कि चार ऑप्शंस में से कौन सा लूप नहीं है। एक ऑप्शन मिल जाएगा नन ऑफ दीज, एक ऑप्शन में डू, एक ऑप्शन में फोर दे देंगे, एक ऑप्शन में वाइल दे देंगे, एक ऑप्शन में कुछ और दे देंगे, तो उसको पहचान लेना। तो मेनली हमारे पास तीन तरीके के लूप्स होते हैं। लूप का काम मैं समझा देता हूं कि लूप का काम क्या होता है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको प्रोग्रामिंग करते टाइम एक लाइन लिखनी है, आई एम ए गुड बॉय, अगर मैं बोलूंगा कि आपको ये लाइन एक बार टाइप करनी है तो आप आराम से कर दोगे। अगर मैं बोलूंगा 10 बार टाइप करनी है तो भी कर दोगे। फिर मैं बोलूंगा 100 बार टाइप करनी है तो थोड़ा सा परेशानी का फील करोगे आपकी 100 बार लिखने में, चलो फिर भी आप लिख दोगे आधा घंटा 15 मिनट लगा के। फिर मैं बोल दूं 1 करोड़ बार लिखनी है ये लाइन आपको, तो फिर आप बोलोगे कि सर ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए ही हम लूप्स का यूज करते हैं। लगातार, लगातार का मतलब आपको एक लाइन लिखनी है कोड की, कंडीशन लगा के कोई भी, और आपको एक लाइन लिखनी है। मान लो आप फोर लूप का यूज करके लिखोगे फॉर दिस और फिर आप ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दोगे, इनटू में आप 1 करोड़ लिख दोगे, एंटर कर दोगे, ये लाइन ऑटोमेटिकली 1 करोड़ बार अपने आप प्रिंट हो जाएगी। यानी कि जो भी आपने कमांड दी प्रिंट, वो लगातार चलती गई चलती गई चलती गई। तो लगातार चीजों को प्रिंट करने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। फॉर लूप, व्हाइल और डू व्हाइल लूप, ये तीन मेनली हमारे पास लूप्स होते हैं। इसके बाद पाइथन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है हमारे पास पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में। अभी हमने देखा था कि किसी भी वेरिएबल के अंदर हम क्या डालते हैं, कोई भी डेटा वेरिएबल के अंदर डालते हैं। अब वो डेटा हमने जो वेरिएबल के अंदर डाला, उस डेटा का टाइप क्या है, प्रकार क्या है, किस प्रकार का वो डेटा है, उसको हम कहते हैं डेटा टाइप। किस प्रकार का डेटा, उस डेटा को पहचानने के लिए कि किस क्या टाइप है डेटा की, क्या काम कर रहा है, क्या नाम है, उसके लिए हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा टाइप आता है वो नंबर डेटा टाइप आता है। नंबर डेटा टाइप में हमारे पास इंटीजर होता है। इंटीजर का सबको पता है, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं और माइनस इन्फिनिटी तक होते हैं, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को पहचानने के लिए एक डेटा टाइप बनाया गया है जिसको हम इंट नाम से जानते हैं, INT के नाम से जानते हैं। अगर मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 5 और मैं लिखता हूं प्रिंट टाइप ब्रैकेट में a, टाइप फंक्शन का मैंने यूज कर दिया a के अंदर की वैल्यू को पहचानने के लिए, तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा इंट टाइप की, 5 जो है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो इस वैल्यू को पाइथन ने पहचाना इंट डेटा टाइप की मदद से। तो डेटा टाइप का यूज ये हो गया, इंटीजर होता है हमारे पास और एक हमारे पास फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं दशमलव वाले नंबर, जो डेसिमल वाली वैल्यू होती है 11.2, 12.4, ये वैल्यूज हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती है। इनको पहचानने के लिए जो डेटा टाइप बनाया गया है उस डेटा टाइप को हम कहते हैं फ्लोट डेटा टाइप, FLOAT, फ्लोट डेटा टाइप। तीसरे हमारे यहाँ पे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट जो होता है वो रियल होता है और एक पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी होता है। तो ये इतना होता है कॉम्प्लेक्स के बारे में।
नंबर्स के बाद एक हमारे पास यहाँ पे होता है नन डेटा टाइप। आपको बोलेगा ऐसा डेटा टाइप जो जब कोई भी रिजल्ट नहीं आता, जब आपके प्रोग्राम में कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न में नहीं मिल रही है, वहां पे हमारे पास एक वैल्यू होती है जिसको हम नन के नाम से जानते हैं। यानी कि कोई वैल्यू नहीं है वहां पे नन वैल्यू आती है, इस तरीके से समझ लीजिए। यानी जब भी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, खाली हो गया है बिल्कुल, वहां पे नन वैल्यू आती है। उसके बाद हमारे पास बूलियन होते हैं, बूलियन डेटा टाइप, बूल डेटा टाइप बेसिकली जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर दो वैल्यू आती है हमारे पास, एक ट्रू वैल्यू आती है, एक फॉल्स वैल्यू आती है। ट्रू इक्वल होती है एक के और फॉल्स इक्वल होता है जीरो के। फिर हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट सीक्वेंस डेटा टाइप आते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? लगातार, लगातार क्रम में जो वैल्यूज डाली जाती हैं उनको सीक्वेंस डेटा टाइप कहते हैं। सीक्वेंस के अंदर पहला हमारे पास आता है यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप, STRING, स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग को बोला जाता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, ये हेलो लिख दिया मैंने। कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि लगातार क्रम में लिखे हुए लेटर या कैरेक्टर, लगातार क्रम में लिखे हुए कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं? स्ट्रिंग कहलाते हैं। अभी सिर्फ ये क्या है? सिंपल टेक्स्ट है। इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए मुझे या तो इसके आगे डबल कोट, सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, या इसके आगे डबल कोट लगाना पड़ेगा, तो पाइथन पहचानेगा कि अब ये कैसी वैल्यू है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। और स्ट्रिंग वैल्यू यानी इंग्लिश में जो भी हम टेक्स्ट वगैरह कुछ भी लिखते हैं वो तो स्ट्रिंग वैल्यू होती ही है। साथ ही अगर मैं लिखता हूं 20 तो अभी क्या है, ये एक इंटीजर है, लेकिन जैसे ही मैंने डबल कोट के अंदर 20 लिखा, अब ये एक स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमारा जो कंप्यूटर होगा वो इसको एज ए स्ट्रिंग वैल्यू पहचानेगा। पहले इसको 20 की तरह मान रहा था, 20 एक इंटीजर की तरह मान रहा था, लेकिन डबल कोट लगने की वजह से ये दो अलग कैरेक्टर हो गया है, ये जीरो अलग कैरेक्टर हो गया है। अब इसके अंदर टोटल दो कैरेक्टर्स आ गए हैं। तो लगातार क्रम में लिखे गए कैरेक्टर्स का संग्रह क्या कहलाता है? एक स्ट्रिंग कहलाता है। और स्ट्रिंग वैल्यूज को पहचानने के लिए डेटा टाइप जो होता है वो होता है STR। स्ट्रिंग के बाद हमारे पास आता है टपल डेटा टाइप। टपल जो होता है उसको सबसे पहला बात याद रखोगे, राउंड ब्रैकेट जो होती है आपकी, ये छोटे वाली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर टपल को बनाया जाता है। इसके अंदर 10, 20, 30, 40 किसी भी तरीके की वैल्यू जो है आप इस टपल के अंदर डाल सकते हैं। दूसरी बात याद रखनी है कि टपल जो डेटा टाइप होता है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इम्यूटेबल का मतलब है जो बदला ना जा सके। एक बार जो उसके अंदर हमने वैल्यूज डाल दी, वो डाल के हमने सेव कर दी, उसके बाद हम टपल की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, इसलिए ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। कलक 2018 में सवाल पूछा गया था। सिर्फ एक तरीका होता है हमारे पास टपल को, टपल की वैल्यूज को चेंज करने का, वो होता है कि मान लो आपने कोई टपल बनाया जिसके अंदर दो वैल्यू डाल दी, 10 और 20। पहले आप क्या करोगे, एक लिस्ट बनाओगे। लिस्ट इज इक्वल टू आप क्या करोगे, लिस्ट कर दोगे किसको, इस टपल को। ये आपने टपल के सामने लिस्ट लिखने का मतलब है कि अब आपने इस टपल को किस में चेंज कर दिया, लिस्ट में चेंज कर दिया। और फिर क्या करोगे आप, लिस्ट ब्रैकेट के अंदर मान लो आप करते हो 0 इज इक्वल टू आप कर देते हो 40, यानी कि इसका प्लेस था 0, इसका प्लेस था फर्स्ट, अब 0 पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और फिर आप क्या करते हो, टपल इज इक्वल टू टपल ब्रैकेट के अंदर आप करते हो लिस्ट। अब आपने जिस टपल को लिस्ट बनाया था उस लिस्ट को अब आपने क्या बना दिया, टपल बना दिया। और अब आपका टपल क्या हो जाएगा, 40, 10 और 20 हो जाएगा। सिर्फ एक ही तरीका हमारे पास होता है, टपल बना दिया। वैसे तो टपल होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप, उसकी वैल्यू उसको चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ एक तरीका है कि पहले उस टपल को किस में चेंज करेंगे, हम लिस्ट में बदलेंगे, और उसके बाद लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टपल के बाद अगला जो हमारा डेटा टाइप होता है वो लिस्ट डेटा टाइप होता है। जो कैसा डेटा टाइप होता है, म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, यानी कि बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। दूसरी बात, लिस्ट को स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर बनाया जाता है,
यहां भी देखा होगा आपने मैंने स्क्वेयर ब्रैकेट का यूज किया। लिस्ट की वैल्यू स्क्वेयर ब्रैकेट बड़े वाली ब्रैकेट में बनाई जाती हैं, जैसे 10, 20, 30 और 40, ऐसे करके हम लिस्ट बनाते हैं। सबसे मेन स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, फिर टपल डेटा टाइप होता है, फिर लिस्ट डेटा टाइप होता है। लगातार क्रम में लिखे गए जो हमारे पास लगातार क्रम में लिखे गए जो कैरेक्टर्स होते हैं, अगर सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर उनको डाल देते हैं तो स्ट्रिंग बन जाता है। एसटीआर डेटा टाइप इसके लिए डिफाइन किया गया है। फिर टपल होता है जिसको राउंड ब्रैकेट के अंदर पेरेंथेसिस के अंदर बनाया जाता है। इम्यूटेबल होता है, बदला नहीं जा सकता है। टपल को बदलना है तो पहले टपल को आपको लिस्ट में बदलना पड़ेगा, लिस्ट के अंदर चेंज करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, फिर लिस्ट को टपल में चेंज करके आप टपल को चेंज कर सकते हो। तीसरा होता है लिस्ट जो म्यूटेबल होता है, जिसमें बदलाव किया जा सकता है, और स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट को बनाया जाता है। चौथा होता है हमारे पास डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप की सबसे पहली बात कि डिक्शनरी डेटा टाइप को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बनाया जाता है। क्वेश्चन सीधा सा पूछेंगे एचएसएससी वाले, डिक्शनरी डेटा टाइप को बनाने के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, टपल को बनाने के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, लिस्ट को बनाने के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, कौन सा इनमें से डेटा टाइप इम्यूटेबल है, कौन सा डेटा टाइप म्यूटेबल है, कौन सा डेटा टाइप में वैल्यू की वैल्यू पेयर के रूप में वैल्यूज इंसर्ट करी जाती हैं, कौन से डेटा टाइप में कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं। ये वन वर्ड वन लाइनर क्वेश्चन ही एचएसएससी पूछता है। एचएसएससी ये तो चेक नहीं करता कि आपको प्रोग्रामिंग आती है नहीं आती है, वो यही देखता है कि थोड़ा बहुत 11th 12th, क्योंकि आजकल ये चीज़ें तो 8वीं क्लास में आ गई हैं सीबीएसई में, तो एचएसएससी वालों को तो नहीं पता ना कि हमारे हरियाणा में तो पेपर देने वाले सारे हो चुके हैं 25-26 के, तो हमें तो कोई था नहीं पढ़ाने वाला स्कूल में, ये चीज़ें कंप्यूटर ही नहीं थे हमारे टाइम पे तो स्कूल में। फिर होता है डिक्शनरी जो कर्ली ब्रैकेट में बनाया जाता है, कर्ली ब्रैकेट में बनाया जाता है, और डिक्शनरी में जो वैल्यू डाली जाती है वो की और वैल्यू पेयर बना के डाली जाती है, की वैल्यू कोमा की वैल्यू। जैसे कि हमें कोई गाड़ी खरीदनी है, हम घर से निकले और गाड़ी खरीदने के लिए सबसे पहली की हम बनाना चाहते हैं, हमने एक की बना ली कि हमने बना ली कि हम सुजुकी की गाड़ी लेंगे भाई। अच्छा, सुजुकी की कौन सी गाड़ी लेने की सलाह है भाई? सुजुकी की आल्टो गाड़ी लेने की सलाह है। अच्छा भाई, फिर मॉडल कौन सा लेने की सलाह है भाई? भाई मॉडल हम ले लेंगे, मान लो LXi ले लेंगे, वेरिएंट मतलब मॉडल तो चलो हो गया 2022। फिर हम पूछते हैं कि अच्छा भाई वेरिएंट कौन सा लोगे? भाई वेरिएंट हम ले लेंगे LXi। तो पहला की वैल्यू करके हमने वैल्यू बना के एक क्या बना दी? डिक्शनरी बना दी। डिक्शनरी में वैल्यू हो जाएगी हमारी सुजुकी ऑल्टो, फिर हो जाएगी हमारी मॉडल, फिर हो जाएगा हमारा 2022, और फिर हो जाएगा हमारा वेरिएंट जो हो जाएगा हमारा LXi। इस तरीके से डिक्शनरी बनाई जाती है और डिक्शनरी में वैल्यू डाली जाती है। सीधा सा बोलेगा कि चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो डिक्शनरी में फिट नहीं हो सकता, तो ऐसा पहचानना पड़ेगा आपको कि कोलन वैल्यू, फिर कोमा से अलग करते हैं दूसरी वैल्यू को, फिर की, फिर कोलन, फिर वैल्यू, ये की और कोलन वैल्यू होती है। इस तरीके से डिक्शनरी बनाई जाती है। डिक्शनरी के बाद एक डेटा टाइप होता है जिसको हम सेट के नाम से जानते हैं। सेट के अंदर सिंपल कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट को बनाया जाता है, 10, 20, ABC कुछ भी वैल्यूज इसके अंदर आ सकती हैं। ये सेट के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये कुछ डेटा टाइप्स थे हमारे। इसके बाद सवाल पूछते हैं पाइथन में एरर के बारे में, सवाल पूछते हैं पाइथन में या प्रोग्रामिंग में जो एरर होते हैं। एक हमारा होता है लॉजिकल एरर, एक हमारे पास होता है सिंटैक्स एरर, और एक हमारे पास होता है रन टाइम एरर। तीन तरीके के एरर जो होते हैं वो मेनली हमें मिलते हैं। अभी जो जून जुलाई में एग्जाम हुए उनमें 5 या 6 बार ये सवाल रिपीट हुआ, चार ऑप्शंस में से पूछ लिया कौन सा एक वैलिड टाइप का एरर है, कौन सा एरर जो है वो आउटपुट के टाइम पे आता है, कौन सा एरर जो है वो कोड को लिखने की गलती को दर्शाता है, कौन सा एरर जो है वो मैथमेटिकल या लॉजिकल चीज़ों से जुड़ा हुआ एरर होता है, ऐसे सवाल आते हैं। तो लॉजिकल का मतलब तो है जो लॉजिक आपका अगर गलत है वहाँ पे जो आपको एरर आता है। जैसे मान लो आप A = आपने कर दिया 2, B = आपने कर दिया 3, और फिर आप प्रिंट करवाना चाहते हो, मान लो प्रिंट करा रहे हो आप C, तो हमारा लॉजिक ही गलत हो गया,
हमने वेरिएबल तो लिया था ए और बी, लेकिन प्रिंट करवा रहे हैं हम सी, तो हमें एरर दे देगा कि आप गलती कर रहे हो, आपके पास वो चीज़ है ही नहीं जिसको आप देखना चाहते हो। फिर होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स होता है मतलब लिखने में गलती कर दे हम, जब भी कोई कोड लिख रहे हैं उसके लिखने में कोई गलती कर दे, कहीं पे स्पेस ज़्यादा दे दे, कहीं पे हम सेमी कोलन ना लगाएं, कहीं पे कोलन ना लगाएं, तो जो लिखने की गलती होती है, कोड को बनाने की गलती होती है, उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है ढांचा बनाने की, लिखने का तरीका। रन टाइम होता है कि आपने पूरा कोड लिख लिया, फिर आपने क्लिक कर दिया रन पे, या रन करने के लिए कोड को शॉर्टकट की जो होती है वो F5 होती है, आपने क्लिक किया और फिर आपके कोड को जब जिस टाइम पे आपका कोड रन हो रहा है उस टाइम पे जो आपको एरर मिला वो आपका रन टाइम एरर हो गया। कोड लिखने के बाद जब रिजल्ट हमें मिलने वाला होता है उस टाइम पे जो एरर आता है उसको रन टाइम एरर। डीप, ये कहाँ डीप है भाई, ये तो बहुत, मैं तो ऊपर 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 से ले गया तुम्हें, डीप तो है ही नहीं बिल्कुल भी। प्रोग्रामिंग का तो मैंने कुछ करवाया ही नहीं, कोड वगैरह प्रोग्राम वगैरह तो कुछ कराया नहीं, मैं तो सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ कि इनका मतलब क्या 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 होता है। सीधा सा HSSC पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास आप मान के चलिए, एक सेकेंड, जो हमारे पास टॉपिक्स मेनली मेनली टॉपिक्स जो हैं वो पाइथन में वेरिएबल्स हमारे हो गए, डेटा टाइप्स हो गए हमारे, नंबर्स हो गए, लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी हो गया, लूप्स के बारे में आपको बता दिया, और दो चीज़ों के बारे में हम और जान लेते हैं तो फिर हमारा पाइथन से सवाल गलत नहीं होगा। दो क्वेश्चन और आते हैं, एक तो पूछेंगे आपसे मॉड्यूल क्या होता है और एक आपसे पूछते हैं फंक्शन क्या होता है, दो चीज़ों के बारे में और हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनको हम आगे करेंगे, जैसे कि एक वर्ड आप सुनते हो इनहेरिटेंस, एग्जाम्स में भी देखा होगा, इनहेरिटेंस के बाद आप एक शब्द देखते हो इनकैप्सुलेशन, या फिर आप सुनते हो ऑब्जेक्ट, या आप सुनते हो क्लास। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको एक क्लास में अलग से मैं करा दूंगा आपको। मॉड्यूल और फंक्शन, मॉड्यूल का मतलब है कि मान लो मैं आपको कोई काम देता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ कोई काम करना है, या आपको स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई काम करना है, आपको एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम करना है, आपको फैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करना है, कोई कोड लिखना है, तो मान लो आपको मैथ से जुड़ा हुआ कोई काम करना है, मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई आपको कोडिंग करनी है, तो उसके लिए आप जब मैथ की चीज़ें यूज करोगे तो मैथ में हम क्या क्या करते हैं, मैथ में हम हो सकता है स्क्वेयर रूट निकालने बैठ जाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैथ में हम यूज करेंगे। तो हमारे कोड के अंदर जब हम मैथ से जुड़ी हुई चीज़ों को यूज करेंगे उससे पहले हमें हमारे कोड में ये मेंशन करना होता है, क्या एक मॉड्यूल हमें मेंशन करना होता है, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट मतलब डालना होता है, एक्सपोर्ट मतलब निकालना होता है। तो हमें हमेशा क्या करते हैं, हम लिखते हैं इंपोर्ट और उसके बाद हम लिखते हैं मॉड्यूल का नाम, जो भी मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं। मैथ के लिए मैथ मॉड्यूल बनाया गया है पाइथन के अंदर, हम मैथ को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद जैसे स्क्वेयर रूट की शॉर्टकट की होती है SQRT, इनका हम यूज करेंगे। यानी कि सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि पहले से बने हुए फाइल्स या डेफिनेशंस का संग्रह, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अपने अंदर सभी तरीके की फाइल्स, सभी तरीके की डेफिनेशंस को सेव करके रखता है, संभाल के रखता है, उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है मान लो आप एक डेवलपर हो और आप एक कोड लिख रहे हो, उस कोड को लिखते लिखते आपको पता लगा कि आपने कुछ ऐसी 4-5 लाइनें लिखी हैं कोड की जिनको आपको आपके थ्रू आउट द कोड, पूरे के पूरा जब तक आपको कोड, मान लो 1000 लाइनों का कोड लिखना है और उन 1000 लाइन के कोड में 5 लाइन ऐसी हैं जिनका आपको बहुत बार आगे चल के यूज करना पड़ेगा, तो आप क्या करते हो उन 5 लाइनों को एक
चीज के अंदर सेव कर लेते हो, किसके अंदर एक फंक्शन बना के सेव कर लेते हो। जैसे मान लो आप कोई मैथ की बुक लिखने के लिए कोई कोड कर रहे हो और आपको एक सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े हुए काफी सारे सवाल जो हैं वो आएंगे। अब हर सवाल में आप अलग से फॉर्मूला टाइप तो करने बैठोगे नहीं, अलग से तो आप प्रिंसिपल रेट टाइम बताओगे नहीं, अगर सेम मतलब चलो वो तो अलग बताना पड़ेगा, फॉर्मूला जो है वो बार बार आप नहीं लगाना चाहते। तो आप क्या करोगे, मान लो SI नाम का आप क्या बना लोगे, एक फंक्शन बना लोगे, और उस SI नाम के फंक्शन के अंदर आप क्या कर लोगे, आप अपना जो SI का आपका फॉर्मूला होता है PRT डिवाइड बाय 100, PRT डिवाइड बाय 100, ये आपने करके किसके अंदर डाल दिया, SI फंक्शन बनाया एक, उसके अंदर आपने ये फॉर्मूला डाल दिया। फिर आप पहुंच गए 500वीं लाइन पे, पहुंचे हुए हो कोड पे, वहां पे आपको जरूरत पड़ी कि दोबारा से मुझे फॉर्मूला टाइप करना है, तो वहां फॉर्मूला टाइप नहीं करना है, वहां पे आपको SI फंक्शन का नाम लिख देना है। तो हमारा टाइम बचा, हमारी मेहनत बची। तो रिपीटेशन ना हो हमारे चीजों की, हमारी इंस्ट्रक्शंस की बार बार रिपीट ना हो, टाइम बचे, उसके लिए हम फंक्शंस को बनाया जाता है। और किसी फंक्शन को एक बार बना दिया, दोबारा उस फंक्शन के अंदर की चीजों को जब हम यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल कहते हैं। फंक्शन कॉल करना यानी कि फंक्शन को बुलाना फोन करके। तो ये आपकी मोटी मोटी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सी बातें थी, जो अभी आपका जो 4-5 दिन के बाद, 10 दिन के, 8 दिन के बाद जो एग्जाम है पटवारी ग्राम सचिव का, उसमें उम्मीद करेंगे अगर कुछ सवाल आए पाइथन से जुड़े हुए तो हमारी इस क्लास से ही आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। और किसी का कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। और कैसी लगी क्लास वो भी आप कमेंट करके बता देना, फिर समझ में आया या नहीं आया। HSSC पूछे या ना पूछे इस बात की टेंशन हमें नहीं लेनी है, हमारा फर्ज है ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चीजों को, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट, नए नए कॉन्सेप्ट को पढ़ो, अच्छा लगता है। डेली वही पुरानी चीजों को पढ़ के बोरिंग भी लगने लग जाता है, वही पुरानी डेफिनेशन, वही पुराने सारे शॉर्टकट का रट्टा मारते रहते हो, तुम कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रीडू, उनसे बाहर आओ, ध्यान से पेपर को एनालाइज करो कि HSSC या किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो कि वो अभी लेटेस्ट पैटर्न पे क्या कैसे सवाल पूछ रहा है। 2-3 दिन पहले ही आपका, 4 दिन पहले जो 2-4 एग्जाम हुए हैं उनके अंदर पाइथन के, SQL के, ABMS के काफी अच्छे लेवल के सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। मतलब यही जो मैंने चीजें कराई हैं इनसे बड़ा ऊपर तो जाके कुछ गहराई में जाके तो पूछा नहीं है, इन्हीं तक आपके वो सवाल उन्होंने रख लिया था। टपल में 40 कैसे आया, टपल का मतलब है पहले हमने टपल को बना दिया था। जैसे देखो हमने एक टी नाम का टपल बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी 20 और 30। अब चलो 20 30 की जगह पे भी हम क्या करते हैं इसमें 40 50 और 60। ठीक है 40 50 60। एक सेकंड भाई,
तो मान लो हमने ये टपल बना लिया है, और इस टपल में हमने क्या डाल दिया है, इस टपल में हमने 20, 30, 40, 50, 60। अब अगर मुझे ये देखना है कि इस टपल के अंदर टोटल वैल्यूज कितनी है, क्वेश्चन आ गया मान लो पेपर में कि टू फाइंड द लेंथ ऑफ एनी डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप के अंदर की वैल्यूज की लेंथ पता करनी है कि इस टी की लेंथ कितनी है। लेंथ लेंथ पता करने के लिए एक फंक्शन होता है हमारे पास जिसको लेन फंक्शन कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट लेन और ब्रैकेट में लिख दूंगा टी, आंसर क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। टोटल लेंथ हो गई 5, यानी कि 5 टोटल हमारे पास इसके अंदर क्या है, वैल्यू है 20, 30, 40, 50, 60। अब मैं मुझे ये तो पता है कि टपल जो है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। हम एक बार टपल हमने बना दिया, उसके बाद हम टपल के अंदर चेंज नहीं कर सकते, फिर भी हमारे पास इमरजेंसी आ गई, मजबूरी आ गई, बदलना पड़ेगा। कोई आया वो बोला कि भाई इसमें मुझे 100 को ऐड करवाना है, 100 को ऐड करवाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक लिस्ट बना लेंगे, एल नाम की हमने लिस्ट बना दी। लिस्ट को इक्वल करेंगे किसके, एल आई एस टी, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे टी। इस टी को हमने लिस्ट मान लिया है अब, और इस टी को हमने लिस्ट मान लिया है और किसके बराबर कर दिया है, एल के बराबर कर दिया है। टपल लिस्ट में बदल के किसके अंदर चला गया, एल के अंदर चला गया। एल के अंदर क्या चला गया, ये सब कुछ एल के अंदर चला गया है। इसको क्या बोलते हैं, एक चीज से दूसरी चीज में जो बदलना होता है ना, इसको हम टाइप कास्टिंग के नाम से जानते हैं। टाइप कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब जैसे मूवीज में कास्टिंग होती है, ये हीरो का रोल करेगा, ये हीरोइन का रोल करेगी, तो कास्टिंग, टाइप कास्टिंग यानी कि प्रकार को बदलना। टी को लिस्ट में बदल के एल के अंदर डाल दिया, यानी कि ये सारी वैल्यूज अब किसके अंदर आ गई हैं, एल के अंदर आ गई है। अब हमारे पास दो चीजें होती हैं जिसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं। इंडेक्सिंग जैसे जो 2018 SI का पेपर हुआ था, उसमें सवाल आया था कि एक एरे है कोई हमारे पास जिसके अंदर टोटल 9 वैल्यूज है, तो जो लास्ट एरे की वैल्यू है, जो लास्ट वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, ये सवाल आया था सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस 2018 में। तो अगर मैं बोलूं कोई टपल है जिसके अंदर टोटल 5 वैल्यूज हैं, तो जो आखिरी वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, वो इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट होता है। एक होती है हमारे पास लेफ्ट इंडेक्सिंग और एक होती है हमारे पास राइट इंडेक्सिंग। जो लेफ्ट इंडेक्सिंग होती है, बाएं हाथ से उधर से हम वैल्यूज की गिनती शुरू करते हैं और उनको उनका नंबर देते हैं, पोजीशन नंबर देना शुरू कर देते हैं। तो जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसकी इंडेक्सिंग होती है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एरे है 9 वैल्यूज जिसके अंदर हैं, तो लास्ट एलिमेंट की क्या हो जाएगा इंडेक्स नंबर, हाँ 9-1, यानी कि अगर टोटल वैल्यूज एन है तो लास्ट की संख्या एन माइनस वन हो गई है। टोटल वैल्यूज थी 5, तो आखिरी की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब जो मैंने इस अब माइनस राइट साइड से क्या होता है, पहला -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे होता है, ठीक है। टपल को लिस्ट में बदल दिया, एल के अंदर ये सारी वैल्यू डल गई हैं। अब हमें एल के अंदर चेंज करना है, क्योंकि वैल्यू तो डालनी पड़ेगी ना, तो वैल्यू ऐड करनी है। कहां ऐड करनी है वो हम डिसाइड करेंगे। हम चाहते हैं कि जो 0 नंबर पे अभी 20 है ना, उस 0 की जगह पे 100 आ जाए और एक एक ये आगे सरक जाए। तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वेयर ब्रैकेट 0 इंडेक्स नंबर ले लिया हमने, यानी कि एल का 0 किसके बराबर हो जाए, 100 के बराबर हो जाए, कर दिया 100 के बराबर। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से कहां पे आ जाएंगे हम, टी इज इक्वल टू टपल, टपल में किसको बदलना है, एल को बदलना है। पहले टी को लिस्ट में एल में बदला था, अब उस एल को हमने टपल में बदलना है, और एल को यानी कि अब जो 100 जोड़ के जो वैल्यू हुई उनको टपल में चेंज करके किस में जोड़ दो, दोबारा से इसी टी में जोड़ दो। और फिर अगर हम प्रिंट करेंगे टी को, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 100 और 20, 30, 40, 50 और 60 हो जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यूज को ऐड करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर्स पूछ रहे हैं। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है,
पहचानना। तो पाइथन के अंदर चीजों को पहचानने के लिए, उनकी वैल्यूज को पहचानने के लिए, उनके टाइप को पहचानने के लिए, किसी भी चीज को पहचानने के लिए जिनका हम यूज करते हैं उनको आइडेंटिफायर्स कहते हैं। सिंपल। और इसके अलावा, चलो इसके अलावा जो बच गया वो एक क्लास और ले लेंगे, आज तो बहुत है इतनी क्लास। चलो जी, वो परमजीत जो आप कह रहे हो आइडेंटिफायर्स और लूप्स के अलग अलग नाम और उन सब की डेफिनेशंस हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा और अगर कहोगे आप, अगर कमेंट करके आपका रिप्लाई आएगा कि और ज़्यादा एडवांस पढ़ना है तो हम और भी करा देंगे। बाकी बहुत है, इस इतने पाइथन में से ही आपको सवाल मिल जाएगा अगर सवाल पेपर में आएगा तो। चलो चलो जी, ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना वीडियो को।